नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। और आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि घूमने वाले लोगों के लिए बेहद पसंदीदा जगह कौन कौन सी है, खासकर सर्दी के मौसम में। जी हां, दरअसल इस दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिन्हें घूमना पसंद नहीं हो, और जब बात सर्दियों में भ्रमण की हो तो घूमना और भी खूबसूरत और रोचक लगता है। जी हाँ, सर्दियाँ आ रही हैं, आप में से कईयों ने घूमने का प्लान भी बना रखा होगा। पर क्या आपको पता है कि सर्दियों में आखिर कौन सी जगह घूमने लायक है? अगर नहीं तो आज हम आपको बता रहे हैं भारत के ऐसे 5 जगहों के बारे में जो सर्दियों में घूमने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है कुल्लू मनाली। जी हाँ, कुल्लू और मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य के 2 हिल स्टेशन हैं जो हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वतमालाओं में बसे हैं। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती आपके मन को इस तरह भा लेगी कि आपको यहाँ से वापस आने का मन नहीं करेगा। यह पर्यटन स्थल भारत में सर्दियों में घूमने की सबसे अच्छी जगह में से एक है। कुल्लू मनाली घाटिया सुरम्य स्थलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और मनाली नदी पहाड़ों और साहसिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। जबकि मनाली पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला के बर्फ से ढकी ढलानों के बीच स्थित एक शहर है जो पर्यटकों के लिए पहली पसंद है। यहाँ के हरे भरे जंगल, फूलों के साथ बिछी घास के मैदानों को फैलाते हुए झरने और नदियाँ सर्दियों के मौसम में पर्यटकों को एक खास अनुभव देते हैं। यहाँ पर आप बर्फबारी, पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और स्काइंग का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर अक्टूबर से सर्दी शुरू हो जाती है, दिसंबर से जनवरी तक बर्फबारी और इस जगह की शानदार सुंदरता का आनंद लेने के लिए आदर्श समय है। दूसरा है लैंसडाउन। यदि आप बर्फबारी के दीवाने हैं और प्राकृतिक पर बर्फ की चादर बिछी देखना चाहते हैं, उसे ओढ़ना चाहते हैं, तो उत्तराखंड का लैंसडाउन आपका इंतजार कर रहा है। लैंसडाउन एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल पहाड़ियों के बीच स्थित लैंसडाउन है और सर्दियों में घूमने की सबसे अच्छी जगह में से एक है। लैंसडाउन अपने चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। सर्दियों के मौसम में यहाँ का नजारा सचमुच देखने लायक होता है और पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। सर्दियों में यहाँ का मौसम काफी रोमांटिक हो जाता है। आप अपने बेटर हाफ के साथ यहाँ के रोमानी मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ आप अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच कभी भी घूम सकते हैं। तीसरा है जयपुर। भारत का पिंक सिटी कहा जाने वाला जयपुर अपने कीर्तिमान इतिहास और राजपूत शासकों के महलों और कलाकारियों के लिए जाना जाता है। जयपुर समृद्ध वास्तुकला विरासत का अद्भुत नमूना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर भारत में सर्दियों के मौसम में घूमने की एक बहुत अच्छी जगह है। रेगिस्तानी राज्य में स्थित होने की वजह से यहाँ गर्मियों में तापमान बहुत अधिक होता है और मानसून में थोड़ी बारिश होती है। इस वजह से गर्मियाँ जयपुर भ्रमण की दृष्टि से अनुकूल नहीं होती है, लेकिन सर्दियों में यहाँ का तापमान कम होता है और मौसम भी काफी सुहावना होता है। तो यदि आप वास्तुकला के प्रेमी हैं और जयपुर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो सर्दियां आपके लिए उचित समय है। चौथा है कसौली। प्राकृतिक की गोद में बैठा हिमाचल प्रदेश का शहर कसौली भी सर्दियों में घूमने के लिए एक अच्छा और खूबसूरत विकल्प है। यह हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में बसा एक छोटा सा शहर है जो पहाड़ों और खूबसूरत वादियों के बीच स्थित है। अगर आप सर्दियों के मौसम में शांतिपूर्ण छुट्टी मनाना चाहते हैं तो कसौली से अच्छी जगह आपके लिए और कोई नहीं हो सकती। देवदार को सुंदर जंगलों के बीच स्थित कसौली ब्रिटिशों द्वारा निर्मित भव्य विक्टोरियन इमारतों काफी प्रसिद्ध है, जिसका रहस्य इतिहास और निर्मल वातावरण पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कसौली एक हिल स्टेशन है और इस क्षेत्र के घने जंगलों में कई तरह के जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसके मनमोहक दृश्य आपकी अपनी और आकर्षित करते हैं, तो फिर देर किस बात की। पांचवा है ऋषिकेश। धार्मिक आस्था और खूबसूरती से परिपूर्ण उत्तराखंड स्थित ऋषिकेश आपके लिए एक परफेक्ट ट्रेवल डेस्टिनेशन हो सकता है। हिमालय की छांव में स्थित ऋषिकेश अपने कई गुणों के लिए जाना जाता है। अगर आप भगवान की आस्था में विश्वास रखते हैं तो ऋषिकेश आपके लिए सबसे अच्छी जगह में से एक है। यहाँ की बहती गंगा अपने पवित्रता से आपके मन के सारे मैल धो देगी और आपको प्राकृतिक की तरह शुद्ध कर देगी। यहाँ की हवाओं में व्याप्त शांति आपके मन के हर हलचल को शांत कर देगी। ऋषिकेश में व्हाइट वाटर राफ्टिंग उद्योग के बढ़ने और कैंपिंग और कैफे स्पॉट की संख्या बढ़ने के कारण ऋषिकेश अलग अलग जरूरतों वाले लोगों के लिए एक आदर्श पर्यटन स्थल बन चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आध्यात्मिकता, योग ध्यान और आयुर्वेद सिखाने वाले कई आश्रम हैं। तो यदि आप आध्यात्मिक हैं तो ऋषिकेश आपके लिए बेहतर भ्रमण स्थल साबित हो सकता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सारे स्थलों को आप अपने बजट के अंदर घूम सकते हैं। तो देर किस बात की, सर्दियां आने ही वाली है, तो उठाइए अपने बैग और प्राकृतिक के गोद में कुछ वक्त बिता के आइए। ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहे टीटी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।